हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी टू ओनली ट्रिक क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए रोजाना की तरह नई नई ट्रिक की क्लासेस लेके आते हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो दोस्तों पता है कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगी वो आपको ट्रिक हम बताते हैं। वो ट्रिक ये है जिसके बारे में बताना चाहते हैं, वो है हमारे भारत के जो 28 राज्य हैं उनकी ट्रिक है, जो इन ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो स्टेट कौन कौन से भारत के ऐसे हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, राम नाम जपते अत्रि मत घुस आए, राम नाम जपते अत्रि मत घुस आए, पंख में वो मही अही के छवि जाए। क्या है, पंख में वो हमी अही के छवि जाओ। तो दोस्तों हमारी ये ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे वो भारत के 28 राज्य। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं पहला राज्य है जिसमें राम का मतलब होता है राजस्थान, मे का मतलब होता है मणिपुर, ना का मतलब होता है नागालैंड, फिर से मे का मतलब होता है मध्य प्रदेश, फिर होता है पे का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, फिर ते का मतलब होता है तेलंगाना, फिर होता है एक का मतलब असम, टी का मतलब होता है त्रिपुरा, मे का मतलब फिर से होता है मेघालय, फिर से ते का मतलब होता है तमिल। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ तक बता दिया 10 राज्यों के बारे में, रा का मतलब राजस्थान, ले का मतलब मणिपुर, ना का मतलब नागालैंड, मे का मतलब मध्य प्रदेश, ते का मतलब पश्चिम बंगाल, ते का मतलब तेलंगाना, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, ने का मतलब स्वराज्य है, ते मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु 11 राज्य है, वो मतलब गुजरात राज्य, से मतलब सिक्किम राज्य, आ मतलब आंध्र प्रदेश राज्य, वो मतलब उत्तराखंड, वो मतलब उत्तराखंड। इसके साथ ही अगला राज्य है 14 राज्य, वो पे मतलब पंजाब, ए मतलब कर्नाटक, ये वो मतलब उत्तर प्रदेश, ये मतलब फिर से होगा वो मतलब होगा जिसमें होगा मिजोरम,
हिमाचल प्रदेश, फिर एक हमारे तो होगा केरल, छह का मतलब होगा छत्तीसगढ़, बी का मतलब होगा बिहार, जा का मतलब होगा झारखंड, ओ का होगा उड़ीसा, इसमें मैं भी रोग जो पीछे नहीं गया था उसमें मैप में होगा दोस्तों। ये है हमारे 28 राज्यों के नाम, वापिस मैं आपको ट्रिक को वापिस दोहरा दूंगा, वापिस बताता हूँ। राम नाम जपते अत्रि मत घुसी आए, पंख में वो वही अही के चली जाओ, ये हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों मैं वापिस इस ट्रिक के सारे स्टेप बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। रा का मतलब होता है राजस्थान, मे का मतलब होता है मणिपुर, ना का मतलब होता है नागालैंड, मे का मतलब होता है मध्य प्रदेश, मे का मतलब मध्य प्रदेश, पे का मतलब पश्चिम बंगाल, ते का मतलब तेलंगाना, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, मे का मतलब मेघालय। आगे है ते का मतलब तमिलनाडु, गु का मतलब गुजरात, सी का मतलब सिक्किम, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, ऊ का मतलब उत्तराखंड, पे का मतलब पंजाब, के का मतलब कर्नाटक, ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश, गो का मतलब गोवा, ए का मतलब हरियाणा, बी का मतलब मिजोरम, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ई का मतलब हिमाचल प्रदेश, के का मतलब केरल, छे मतलब छत्तीसगढ़, बी का मतलब बिहार, जा मतलब झारखंड, ऊ मतलब उड़ीसा, मैं मतलब महाराष्ट्र। ये 28 राज्य हैं, इनमें एक राज्य आपको भी अभी पता चल गया होगा मिस किया, जो है मतलब यहाँ पे जपते नाम जिसमें है जम्मू कश्मीर राज्य। ये जो राज्य है अब ये है ना जो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया है, जो पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसको हमने नहीं लिखा। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं जबकि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को मिला के कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए वर्तमान में। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अगर ये आप हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए कितनी मददगार साबित होती है ये हमें कमेंट के द्वारा बताइए। तो दोस्तों इन्हीं ट्रिकों के साथ हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे केंद्र शासित प्रदेश है उनकी ट्रिक, जिसमें हम आपको उनके बारे में बताएंगे दोस्तों, और इनके बारे में आगे इनमें से कुछ और भी बताना चाहता हूँ, जिसमें जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश, फर्स्ट नंबर है राजस्थान, सेकंड नंबर है मध्य प्रदेश। इसी के साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो कि हमारा है गोवा, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश, जिसकी तकरीबन 19 करोड़ जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी 3 लाख के लमसम मतलब आबादी है वो है। तो दोस्त इसी में से हमने 4 क्वेश्चन भी आपको बताए जो आपको याद रहे, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।